देखिए, आज जो बताएंगे हम आपको पिछले साल के सेकंड सेमेस्टर का पेपर का मैथ पेपर का सॉल्यूशन हम बताएंगे। आप क्यों नहीं है जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हैं लिखने के बावजूद भी, क्योंकि आप पिछले सालों के पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप परीक्षा में जाते हैं। तो आप सबसे पहले आप उसको हल करेंगे। हल करने का मतलब है कि आपका पूरा जो है रिवीजन हो जाता है, पूरा सिलेबस ही लगभग आपका रिवीजन हो जाता है, लेकिन आप ये करते नहीं हैं। आराम से जो है सीरीज खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं, उससे नहीं होगा। आप पेपर को सॉल्व करिए। तो मैं 2022 21 22 22 वाला जो है पेपर, 2000 जो सेकंड सेमेस्टर में सालू पेपर आया था जेएनयू में, उसको मैं सॉल्यूशन करूंगा। एक एक क्वेश्चन भले ये दो वीडियो तीन वीडियो में मैं हल कर दूं करूंगा, आप उसे बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो इसमें टोटल जो है जेएनयू में कितने क्वेश्चन आए थे, उसमें पहले वाले में जो 3.5-3.5 नंबर का है वो आया था, 10 10 ठे आया था। उसके बाकी जो है 10 10 नंबर का जो है टोटल 75 नंबर का होगा, और 4 यूनिट आपका बनाया है इसमें, और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करने हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 10 ठे क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो पहला सेकेंड यूनिट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, इनमें से दो दो क्वेश्चन आने हैं और एक एक को करना है। यानी ये 10 10 नंबर का इसमें से आएगा, ये 10 10 नंबर का आएगा। तो 40 ये हो गया, और उसके बाद से 35 ये हो गया, तो ये कितने हो गए, 75 नंबर का हो गया। तो आपको टोटल जो है इसमें प्रत्येक यूनिट से दो क्वेश्चन आया है, एक करना है एक छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड सो दैट इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो ठीक है, हम लोग इसमें बता रहे हैं आपको, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। जब आपका डिफिनीशन सबसे पहले लिखना है, डिफिनीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक चीज सुन लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए टी इज इक्वल टू आना चाहिए आई, यानी ए टी ए, ठीक है। यहाँ पर एटी क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसको भी लिख दीजिएगा एटी, चाहे ए डैश से रिप्रेजेंट, एटी इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, अब आपको क्या करना है कि ए इनवर्स को क्या प्रूफ करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो सिंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ए टी इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसमें ये हो गया कि ए टू द पावर टी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, यानी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी आ जाए तो कहते हैं कि वह एक दूसरे के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए।
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग वी हैव ए ए टी इज इक्वल टू आई है, दोनों तरफ ए इनवर्स सेपरेट कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे ए इनवर्स सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो यह ए इनवर्स आई इसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए और यह ए टी इज इक्वल टू ए हो गया, ये तो आई आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया ए इनवर्स, ये लिख दीजिएगा कि चूंकि ए इनवर्स आई इज इक्वल टू हमेशा ए ही होता है, ए इनवर्स ही होता है, बदलता नहीं है, वह आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बदलेगा नहीं। और ये क्या आ गया ए टी इज इक्वल टू कितना आ गया ए इनवर्स आ गया ना, ठीक है। और ए टी क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अभी जस्ट की है, ए टी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कहेंगे कि हेंस हेंस ए इनवर्स, हाँ ये चीज याद रखिएगा कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू हमेशा आइडेंटिटी आता है और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हेंस ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ए टी टी इज, लिख देते हैं ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहां पर हम कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि सो दैट, बी पार्ट है इसका, कि सो दैट ए टी टी इज कल टू ए इज टू ए, ये दिखाना है वेयर ए टी इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं, देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन बी मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका निकालेंगे तो ए जे आई हो जाएगा और यह एम इन टू एम बी मैट्रिक्स बी ऑल्सो मैट्रिक्स, ठीक है। जब इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे ए टी टी का, तो इसका मतलब कि ए जे आई और इसका भी आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ये पुनः क्या आ जाएगा ए आई जे और ये टी आ गया, ये एम इंटू एन बदल गया, ठीक है। तो बदल गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू वन है ना, ए है, ये ए आ गया, प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन भी का भी हम लोग कर देते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी नंबर, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के टच द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है तो आपका वन जीरो के फाइव थ्री थर्टीन फोर टू टेन ए हैज रैंक टू, हैज रैंक टू, ठीक है, इसका रैंक टू है। तो चलिए हम लोग रैंक, देखिए जिस जिस मैट्रिक्स का जितना रैंक होता है ना उतने बाई उतने का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, रैंक टू है ना, तो टू इंटू टू का जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन वही थ्री इंटू थ्री का जीरो हो जाएगा। तो क्या दिया है सॉल्यूशन में, हम लोग लिखेंगे कि गिवेन, गिवेन दिया हुआ है ना कि देखिए ए इज इक्वल टू वन जीरो के फाइव थ्री थर्टीन फोर टू टेन दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब इसका रैंक भी दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू आपका दो दिया हुआ है, रैंक रैंक रो इज इक्वल टू दो दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया इट मींस इसका डिटरमिनेंट जो होगा थ्री ऑर्डर का जीरो होगा, ठीक है। इट मींस
डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आ गया हमारा 1 5 4 0 3 2 k 13 10 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका एक्सपेंशन कर लीजिए, इसका करेंगे तो 30 - 26 - 5 0 - 2 k + 4 0 - 3 k इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये देखिए 4 k हो 4 हो जाएगा और ये देखिए माइनस प्लस 10 k हो गया और -12 k इज इक्वल टू जीरो। तो यह -2 k इज इक्वल टू -4 k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि ये सी नंबर हो गया, डी नंबर क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर 2x। देखिए जरा सा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं इसमें। देखिए इसमें तो बिठाने वाला, चलिए इसे ही कर देते हैं। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है ना, इस सॉल्यूशन हम लोग करते हैं गिवेन। देखिए गिवेन ये आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर -2x है, ठीक है। इसमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट रहेंगे और भी कांस्टेंट है ना, दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर एक होता तो एक बार डिफरेंशिएशन करते और ये कांस्टेंट को हटा देते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा dy अपॉन dx। और ये देखिए e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e टू द पावर 2x होगा और ये देखिए -2b e टू द पावर -2x हो गया। फिर इसको एक बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लिख दीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ गया यहां पर कि लिख दीजिए कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 2e टू द पावर 2x होता है। तो फिर ये 2 अब पहले से 2 है ये है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 और यह ए ई टू द पावर 2x हो गया -2 और यह बी -2 ई टू द पावर -2x इसका हो गया +4 होगा ना, 4 को कॉमन कर लीजिएगा तो ए ई टू द पावर 2x हो गया -4 + 4 हो जाएगा प्लस सी बी ई टू द पावर -2x हो गया। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितनी है 1 है ना, y है ना, यूजिंग 1 यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप जो है इस डी हो गया, अभी हम लोग निकालते हैं ई क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व 1 + x² dy = 1 + y² dx ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन इसमें हम कर लेते हैं। आप वीडियो भागा के ना देखिए, एकदम इत्मीनान से क्या क्वेश्चन देखिए ताकि तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो पेपर है, हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन ना भी पढ़े हो, ना भी एक्सरसाइज में किए हो, तो भी जो है मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। गिवन 1 + x² ये dy और ये 1 + y² dx है, तो dx के साथ कौन जाता है, x जाएगा, तो dy अपॉन 1 + y² कर लेते हैं और dx अपॉन 1 + x² कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल पहले इसको लिख देते हैं dx अपॉन 1 + x² और इंटीग्रल dy अपॉन 1 + y², ठीक है।
इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई आप प्लस टेन इनवर्स सी कर लीजिए, सबसे बढ़िया है ठीक है। इसको इधर लेके आ जाइए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन एक बार मिला लिया जाए, हाँ क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन हमारा यही है, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं, एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई होता है इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी हो गया। तो दोनों तरफ से टेन हटा दिए, इनवर्स हटा दीजिए, एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया, ही आपका आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन निकल गया ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन निकाल दिया गया है आपका कि डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो गिव एन एग्जांपल, ये आपका है एफ नंबर है, एफ नंबर है कि डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल एक देना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखेंगे ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, सॉल्यूशन में लीनियर डिफिनीशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए डिफरेंशियल एनी डिफरेंशियल द डिफरेंशियल ऐसे लिखे द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में होगा, देखिए इसको हट ढक लीजिए, वाई का पावर वन होना चाहिए, तो वाई का पावर में लीनियर हो गया तो यह डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, अगर एक्स में लीनियर होता तो डी एक्स अपॉन डी वाई होता। तो इज वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल देंगे कि द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, देखिए y का पावर वन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स है इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया ठीक है। तो ये आपका हो गया, अगर इसका सॉल्यूशन वगैरह निकालना चाहते हैं तो इसे यह चलिए उसको रहने दीजिए ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल दे दिया, फिर ये पूछा गया है कि लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है और उसका एग्जांपल दीजिए, हो गया ये। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन एंड शो दैट, ये दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन एंड सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज वन ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा सा देख लीजिए यहां पे कि सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ठीक है। ये देखिए
जब ए वो पी या वो है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जब कोई भी ओपी लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो उसे क्या कहेंगे? कास अल्फा कास बीटा कास गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। एनी लाइन ओपी, यहां डायरेक्शन कोसाइन का डिफिनेशन देंगे, हेडिंग दे दे रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ओपी एनी लाइन ओपी मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन एंड डिनोटेड बाय एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दस एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है, यही होता है। अब आपको इसका स्क्वायर करके वन दिखाना है, ठीक है, तो वन हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर, देखिए कि प्रूफ कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, जब कोई भी लाइन या टू दो बिंदुओं से होकर के जाए, जैसे यहां पर है यह पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है, ठीक है। तो आप देखिए यहां से, ये सभी लोग जानते हैं कि यहां से वो, यहां से यहां तक एक्स टू एक्स वन हो गया और यहां से यहां तक एक्स टू हो गया, ये एम ले लीजिए और इसको एन ले लीजिए और इसको क्या ले लेंगे, एन डैश ले लीजिएगा, ये अल्फा है, तो ये बीच वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि पूरी दूरी में से इतनी दूरी निकाल देते हैं, पूरी दूरी में से इतनी दूरी निकाल देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो लेट ए लाइन थ्रो थ्रो टू पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू हो करके जा रही है, ठीक है, एंड मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए का वो पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ये बनाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हाँ एक चीज और लेके आ लीजिए कि आपको ओ एन इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स टू होगा और ओ एम इज इक्वल टू आपका एक्स वन होगा, तो ओ एम एन इज इक्वल टू आपका जो आएगा आपका पी एन डैश आएगा, और पी एन डैश का मतलब आपका ओ एम माइनस ओ एन हो जाएगा, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, बाकी सब इसी तरह से निकालेंगे। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार तो ये बनेगा पी एन डैश अपान पी क्यू यानी एक्स टू माइनस एक्स वन अपान पी क्यू। दूसरी इसी तरह से सिमिलरली आप कॉस बीटा का भी मान निकालेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान पी क्यू और कॉस गामा इज इक्वल टू जो होगा जेड टू माइनस जेड वन अपान पी क्यू हो जाएगा।
तो cos स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए कि वी हैव, यहां पे निकाल देते हैं कि वी हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन pq स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर इसको भी कर लीजिए y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन pq स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन pq स्क्वायर। तो pq स्क्वायर इज ए कॉमन इन एवरी टर्म, तो 1 बाय pq स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 टू द पावर होल स्क्वायर एंड pu या pq स्क्वायर, जब आप यहां करेंगे pq स्क्वायर तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पूरा pq स्क्वायर इसलिए हो जाएगी, इसकी वैल्यू pq स्क्वायर अपॉन pq स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो चूंकि cos से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो चीज देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये एच नंबर दिया हुआ है कि प्रूव सो दैट The conic में आपका क्या आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, यही कॉनिक्स होता है, ठीक है। तो L by R is equal to 1 plus E cos theta and L by R is equal to minus 1 plus E cos theta, ठीक है, represent the same conic, represents the सेम कॉनिक, बहुत आसान है ये, देखिए प्रूफ हम लोग कर रहे हैं इसको, क्या दिया हुआ है, गिवेन द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर एल इज इक्वल टू आर प्लस ई आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसको मन करे तो कार्टेशियन फॉर्म में बदल दीजिए, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं और इसको ई, सभी लोग जानते हैं कि चूंकि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो एल और इसका एल इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ई एक्स हो गया, इसको इधर लेके आ जाइए, एल माइनस ई एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है आपको, देखिए कि एल बाई आर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस ई कॉस थीटा दिया हुआ है, सेम उसी तरह से करिए, एल इज इक्वल टू माइनस आर प्लस ई आर कॉस थीटा, तो इसको इधर लेके आ जाइए, ये एल इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू ई एक्स हो गया, एल माइनस ई एक्स कर लीजिए, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो देखिए जब स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, एल माइनस ई एक्स टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, खत्म हो, माइनस खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन वन और टू दोनों सेम है, वी सी दैट इक्वेशन वन एंड टू आर सेम, हेंस द गिवन बोथ कॉनिक्स कॉनिक रिप्रेजेंट सेम कॉनिक
सेमकोनिक, जो आप भाषा दे रहे हैं उसी में आप लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड, ठीक है, राइट द इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड। देखिए सेंट्रल कोनिकाइड आप कितने तरह का होता है, सेंट्रल कोनिकाइड तो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, लेकिन ये कितने तरह का होता है वो चीज मैं बता रहा हूं। सॉल्यूशन देख लीजिए, देयर आर द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमारा इलिप्साइड होता है। और एक्स स्क्वायर दूसरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपन लिखना है जितना लिख दें इसमें, एक्चुअली में इसमें तो नौ होता है लेकिन तीन चार ठेल लिख करके छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये भी होता है इलिप्साइड वन सिट होता है, इलिप्साइड वन सिट होता है। दूसरा देख लीजिए, यह एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इलिप्साइड टू सिट्स होता है, इलिप्साइड टू सिट्स होता है। ठीक है, और भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान y a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जेड अपान सी, तो इसको रहने दे, तीन छे बहुत है, तीन छे रहने दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपका ये तो 10 थे क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग यूनिट फर्स्ट में चलते हैं, यूनिट फर्स्ट को भी हल सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी यूनिकली नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यूनिट फर्स्ट में, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट आपका फर्स्ट है, और ये पहला क्वेश्चन ये दूसरे का ए कह रहा है कि डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंटरमीडिएट में भी आप लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो थोड़ा अच्छे से प्रूव कर लेगा उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, जो सॉल्यूशन सही ढंग से लिख लिया
आपको नंबर पूरा पा गया, इसमें कटने का चांस ही नहीं है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो कोई अंतर ना आए, अर्थात ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, ये होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। चलिए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अब स्क्यू सिमेट्रिक हम इसी में बना देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जब जब यहां पे माइनस ए हो जाना चाहिए, ठीक है, तो माइनस ए हो जाएगा तो इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जो प्रूफ करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ, इसको हम करते हैं, ये दिया हुआ है तो हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हम वी हैव लेट करेंगे, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर कुछ भी कोई भी हो सकता है। वी हैव ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू, टू ए लिख सकते हैं और टू ए को दो भाग में लिख लीजिए, ए प्लस ए, यहां लिख देंगे वन अपॉन टू ए प्लस ए टी, और फिर वन एट में ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़े हैं और घटाए हैं, वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए प्लस ए टी और प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए टी। तो इसको मैं पी लिख दे रहा हूं और इसको क्यू लिख दे रहा हूं। तो अब देखिए, वेयर पी इज इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन टू ए प्लस ए टी और q इज इक्वल टू ए वन बाई टू ए माइनस ए टी। तो अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है और इसको इसकी उस सिमेट्रिक हम लोगों को प्रूफ करना है। तो वी हैव p टू दी पावर t, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स p का निकालते हैं, वन बाई टू ए प्लस ए टी। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वन बाई टू बाहर आ गया, अब इस पर t लगाइए, t और प्लस ए टी टी। तो ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है ए आता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वन अपॉन टू ए टी और प्लस ए आ गया, यानी वही मैट्रिक्स आ गई, वन बाई टू क्रम से लिख लीजिए, ए प्लस ए टी यानी पी के बराबर आ गया। तो क्या कहेंगे, हेंस पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एंड आल्सो वी हैव क्यू टू द पावर टी वन अपॉन टू ए माइनस ए टी पर लगाएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो वन अपॉन टू ए माइनस इस पर भी टी लगा दीजिए और माइनस ए टी टी इस पर भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लगा दीजिए, लगा दिया गया। अब वन अपॉन टू ये ए टी और माइनस ए हो गया। अब देखिए, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए क्योंकि इसका तो मान ए हो गया, माइनस कॉमन करेंगे देखिए वही आ गया जो लेके चले थे, क्यू माइनस क्यू आ गया। तो कहेंगे कि हेंस
क्यू इज इक्वल टू 1/2a-at इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हेंस एवरीवेयर, दस का लिख देते हैं, हेंस तो ऊपर लिख दिए ना, दस एवरीवेयर स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सटेंसिव, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद से आगे कल इसी यूनिट का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक ये है, ये एक यूज बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 7। देखिए सबसे पहले आप इचलोन फॉर्म बदलिए। इचलोन फॉर्म होता है क्या कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जिसको बदलने आ गया वो हो गया 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, ये 2 इस रूप में बदल देना है, मैंने डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो कर देना है, इचलोन फॉर्म होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो लो, वही क्या करा गया, रैंक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान में कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवेन ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 3, 5, 7, ठीक है। अब ये काम करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे, ये आपका R1 हो गया, ये R1 है, ये R2 है, R1 है, ये R2 है और R3 है। तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग करेंगे क्या, यूजिंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और R3 के लिए क्या करेंगे कि अगर हम R1 और R2 को जोड़ दिया जाए और R3 में से माइनस कर दिया तो 1, 2, 1, 3, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, 2, 3, 5, 5 में जीरो हो जाएगा, 4, 3, 7 और 7 में जीरो हो जाएगा, यानी R3 माइनस R1 प्लस R2, यानी दो को जोड़ करके, दो प्रथम दो रो को जोड़ करके R3 में से माइनस कर दीजिए। अब देखिए यह कितना आ गया, ये देखिए 1, 2, 3 तो ठीक है, इसमें 2 से R1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, R1 आपका कितना है, ये देखिए 1, 2, 3 है, तो 2R1 कितना हो जाएगा, 2, 4, 3 हो जाएगा, और ये R2 में से माइनस कर दीजिए तो देखिए 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, R2 आपका कितना है, 2, 3, 4 है, और 2R1 कितना है, 2R1 अभी जस्ट निकाले हैं, 2, 4, 6 हो गया, 0 ये माइनस 1 और ये कितना हो गया माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2 और ये 0 0 हो गया सब। तो देख रहे हैं ना, यहां से ये जो दिखाई दे रहा है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में बदल गया, एंड इसी को क्या कहेंगे, इचलोन फॉर्म कहेंगे, विच इज इन इचलोन फॉर्म, विच इज इन इचलोन फॉर्म, ये इचलोन फॉर्म में हमारा हो गया, ठीक है, इचलोन फॉर्म में हो गया। दस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी रो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देखिए ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये तो जीरो रो है, तो कितना है, दो हो गया, इसका रैंक 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो हमें लग रहा है कि आप जो है इतना करेंगे उब गए होंगे करते करते, तो अब हम लोग जो है इसका 3x करेंगे। तो क्वेश्चन जो है उसमें जो है हम लोग करेंगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो हम ये सोच रहे हैं कि 3 लेक्चर में आपको जो है हम ये क्वेश्चन सब कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ठीक है, ओके, और इसको आप नोट्स बकायदे बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम का समय आ रहा है तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। और भी बाकी अगर अदर यूनिवर्सिटी का जो है मिले क्वेश्चन तो हमको जो है इसमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपना उसमें कमेंट में करेंगे तो फिर नंबर दे देंगे व्हाट्सएप नंबर, और फिर आप उसमें जो है क्वेश्चन भेजेंगे अदर यूनिवर्सिटी का, तो उसका भी जो है हम सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे,
ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।